मरियम बेचारी गलत हो जाती है। रहमान रहीम या के नाम पर हो या के नस्ता ही मैं हम लोग यहाँ से क्योंकि एन 15 से पीटीआई के साथ मेरी काफ़ी सारा टाइम गुजर गया, बल्कि जब से वॉइस संभाला तब से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और इमरान खान के साथ खड़ी हूँ। और 2018 में मैंने पीके 34 जो कि पीके 40 से वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ा। उसके बाद फिर जितना भी मुश्किल वक्त था वो खान साहब के साथ गुजारा। नमान पार्क में हमने काफ़ी टाइम और तमाम वर्कर्स जो यहाँ पे हैं वो भी हमारे साथ वहाँ पे मौजूद थे। जितनी हमने वहाँ पे मुश्किल वक्त और मारे खाई वो सारी की सारी पीटीआई के साथ हैं। उसको देखते हुए मैंने फिर 15 से फैसला किया था कि मैंने 15 से नवाज शरीफ को प्यार है तो उसके मुकाबले में मैं इलेक्शन लड़ूँ। और मैंने अपने कागजात जमा करवाए, अल्लाह का शुक्र है वो एक्सेप्ट भी हो गए। उस वक्त ज़्यादा कुछ आसिफ खान का मुझे नहीं अंदाज़ा था कि वो NA15 से भी इंटरेस्टेड होंगे या NA15 से आएंगे इलेक्शन लड़ेंगे। तो खैर मुझे उसका बाद में जब पता चला तो मुझे खुशी भी हुई क्योंकि हमारे पुराने सियासी और हमारे कबीले से भी हैं। तो उसमें फिर ये हुआ कि पार्टी का सीनियर्स का सबका मिलकर ये फैसला हुआ कि जो NA15 है यहाँ से 2 कैंडिडेट खड़े हैं, उनमें से अगर 1 कैंडिडेट होगा तो ज़्यादा अच्छा मुकाबला होगा और जो वोट है वो तकसीम नहीं होगा और सीट जो बड़ा चोर यहाँ पे खड़ा है हमारे मुकाबले में पाकिस्तान का उसको हम शिकस्त देने में हमें आसानी होगी। क्योंकि वो पार्टी का ये फैसला हुआ, सीनियर लीडरशिप का हम सब का ये फैसला हुआ कि हम दोनों में से एक मैदान में आए। फिर हम सब ने मुश्ताक आसिफ खान का फैसला किया। तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत दफ़ा जो PK 34 जो भी PK 40 से बहुत दफ़ा जीत भी चुके हैं और बहुत दफ़ा माशाल्लाह से ये हमारे मिनिस्टर भी रह चुके हैं और बहुत पुराने सियासी भी हैं, बहुत बेहतर तरीके से ये यहाँ से इंशाल्लाह ताला इसको आप लोगों के साथ खड़ी है, पूरी टीम साथ खड़ी है, पूरी सपोर्ट साथ खड़ी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा PTI का जो ग्राउंड है वो भी PTI के हक़ में है, अवाम PTI के हक़ में, पूरे पाकिस्तान में PTI का एक अच्छा माशाल्लाह से वोट बैंक बहुत अच्छा है। उसमें ये है कि ये सीट इंशाल्लाह बहुत अच्छी लीड से शहज़ादा मुश्ताक आसिफ खान जीतेंगे और जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो चोर है वो यहाँ से देखिए ये सब के लिए चैलेंज है कि आज इस वक्त शहज़ादा मुश्ताक आसिफ इस वक्त नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह आप सबका साथ रहा, आप सबकी सपोर्ट रही तो अल्लाह ताला की मदद से ये चीज़ जो है वो इंशाल्लाह आप जीतेंगे। और जीत के ये इमरान खान साहब को हम बता रहे हैं क्योंकि ये टीम वर्क होता है तो टीम के साथ इंशाल्लाह ये सीट हम इमरान खान साहब को गिफ्ट देंगे। NA15 की जो आवाम है उनसे भी मेरी यही दरख्वास्त है कि सारी ज़िंदगी आप लोगों ने मतलब ज़िंदगी के जो 75-76 साल गुजर गए इन चोरों को बार बार आजमाया, बार बार वोट देते रहे, मुख्तलिफ सूरतों में ये लोग आते रहे, बारियां लगाते रहे, लेकिन आज तक पाकिस्तान दुनिया की दौर से 100 साल पीछे है। वो यही वजह है कि हमारा फैसला जो था वो कभी भी ठीक नहीं हुआ। इससे पहले इमरान खान की सूरत में 3 साल के लिए इमरान खान आए जब हुकूमत की तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम दिए गए आवाम को जो कि आवाम की बेहतरी के लिए बहुत अच्छी, जिसमें एक हेल्थ कार्ड था। तो उसमें ये सब लोग जब आप मिलके एक अभी NA15 का एक अच्छा इकट्ठा देखें, वोट को तकसीम ना करें, डिवाइड ना करें। अगर वोट आप डिवाइड करेंगे और कैंडिडेट चूँकि यहाँ पे काफ़ी सारे खड़े हैं तो उनको पहले आप लोग आजमा चुके हैं सारे, अभी अगर आप लोग एक तरफ जाएंगे सारा वोट एक तरफ पड़ेगा तो इंशाल्लाह ताला यहाँ से नवाज शरीफ को शिकस्त मिलेगी और इमरान खान की कामयाबी होगी। और चूंकि इमरान खान के सिपाही इस वक्त खड़े हैं तो इंशाल्लाह मेरी तमाम सपोर्ट मुश्ताक आसिफ खान साहब के साथ है, मैं इनकी कंपेन में भी इनके साथ रहूंगी। मैं तमाम जो वर्कर्स हैं जिन्होंने मेरे साथ बहुत मुझे फ़ोन किया जैसे ही मैं ग्राउंड पे उतरी तो सब ने मुझे सब अपनी सपोर्ट की जो है वो यकीन दिलाया कि वो सारे मेरे साथ खड़े हैं। तौरगर से पूरा डिस्ट्रिक्ट के जितने वर्कर्स हैं सब ने मुझे कॉल्स की कि वो सारे मेरे साथ सपोर्ट में खड़े हैं। और इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट जीते हुए हैं यहाँ से लोकल बॉडी इलेक्शन पूरे NA15 के वो जो लोग हैं उनमें से कुछ 70% लोगों की मुझे कॉल्स गई, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हर तरह की सपोर्ट करेंगे। आज वही आप सनायक ही सपोर्ट कर रहे हैं गुस्ताख आसिफ खान की सूरत में, तो आप सब ने इकट्ठा होना है, सब ने सपोर्ट करनी है, इंशाल्लाह ताला ये सीट यहाँ से जीतनी है। मैं आपके साथ ही हूँ इसी कंपेन में, इंशाल्लाह यहीं पे खड़ी हूँ, हम सब जो है वो एक हैं। तो इंशाल्लाह ताला
इस रिपोर्ट से अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा और हम इंशाल्लाह ताला यहाँ से कामयाब होंगे। उस्ताद आसिफ खान साहब के लिए जो है वो आज मैं ये इनकी जो है हिमायत में ये सीट जो है वो दस्तकदार हो रही हूँ और इनको सपोर्ट के लिए मिल रही है।